सब्सक्राइब कीजिए शहाबुद्दीन टेक्निकल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स के लिए। दोस्तों मेरा नाम है शहाबुद्दीन और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Xoami Mi 6 के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों प्रोस का मतलब होता है अच्छी बात है और कॉन्स का मतलब होता है बुरी बात है। तो दोस्तों Xoami Mi 6 के मैं आज प्रोस के बारे में आपको सबसे पहले बताता हूँ, यानी कि अच्छी बात है। तो दोस्तों Xoami Mi 6 में जो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि एकदम से जो है हाई एंड प्रोसेसर है। और दोस्तों ये जो है काफी सस्ता फोन है अपने प्राइस के हिसाब से। आपको जो है 25,000 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 मिलता है, जो कि कोई और फोन ऑफर नहीं कर रहा है अब तक। ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, 10 नैनोमीटर्स की टेक्नोलॉजी में बना है। तो दोस्तों जो इसका हाईएस्ट क्लॉक स्पीड है वो 2.45 गीगाहर्ट्ज़ है और दोस्तों जो मिनिमम क्लॉक स्पीड है वो 1.9 गीगाहर्ट्ज़ है, यानी कि चार कोर्स को क्लॉक किया गया 2.45 गीगाहर्ट्ज़ पे और जो चार कोर्स है उन्हें क्लॉक किया गया 1.9 गीगाहर्ट्ज़ पे। तो इस तरह से ये जो एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और 10 नैनोमीटर्स की टेक्नोलॉजी पर बना है। तो दोस्तों एक तरह से ये पावर एफिशिएंट भी है और दोस्तों ये इसकी जो परफॉर्मेंस होने वाली एकदम से अच्छी परफॉर्मेंस होगी अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो। अगर आपको पर्सनली गेमिंग करने का बहुत ज्यादा शौक है तो दोस्तों ये फोन जो है आप लोगों के लिए ही है। और दोस्तों जो दूसरी सबसे अच्छी बात है वो इसका कैमरा है। दोस्तों इसमें जो आपको 12 मेगापिक्सल के डुअल कैमरास दिए गए, यानी कि पीछे की तरफ आपको दो कैमरा दिए गए और दोनों ही 12 मेगापिक्सल के हैं। और दोस्तों ये OIS के साथ में भी आते हैं, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आते हैं। तो दोस्तों जब भी आप कोई फोटो लोगे Xiaomi Mi 6 से तो दोस्तों आपकी जो फोटो की क्लैरिटी होगी वो थोड़ी और इंप्रूव होगी, क्योंकि इसमें OIS दिया गया। ये भी इसकी प्रोज है और काफी अच्छी बात है कि इसमें जो आपको OIS दिया गया है। तो दोस्तों फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है और दोस्तों इसमें जो है फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है दोस्तों, जो कि आपकी बैटरी को जो है फास्ट चार्जिंग कर देगा। इसमें आपको क्वालकॉम क्विक चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। 3350 mAh की बैटरी लाइफ इसमें दी जाती है, जो कि बैटरी है इसकी। तो आपको लगभग एक दिन का जो है बैटरी बैकअप इस फोन में मिल जाएगा और फास्ट चार्जिंग के साथ में भी आता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है मुझे इस पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है। आपको पीछे की तरफ जो है 3D ग्लास दिया गया, यानी कि जो है आपको चारों तरफ से कर्व एजेस देखने को मिलते हैं पीछे की तरफ से। और दोस्तों जो सामने का जो है उसमें आपको 2.5D ग्लास दिया गया, तो डिज़ाइन इसका बहुत ही अच्छा है और ओवरऑल कहूँ तो एकदम फ्लैगशिप टाइप का लुक आपको इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इसमें इसकी जो कॉन्स है, यानी कि बुरी बात है इस फ़ोन की। इसमें जो है आपको 3.5mm का जो ऑडियो जैक है वो नहीं दिया गया, यानी कि 3.5mm का ऑडियो जैक मिसिंग है। इसमें जो आपको USB टाइप सी पोर्ट मिलता है उसी में जो आपको चार्जिंग भी करनी पड़ती है और उसी में आप चाहे तो 3.5mm का जैक वाला जो एक हेडफोन्स मिलेगा वो लगाकर आप जो है गाने सुन सकते हैं। लेकिन हेडफोन जैक क्यों नहीं दिया वो मेरी समझ में नहीं आया। अगर आप समझ लीजिए चार्जिंग पे लगाया फोन तो आप गाने नहीं सुन सकते, एयरफोन लगा ही नहीं सकते, तो पता नहीं क्या होगा। और दोस्तों इसमें जो है आपको स्टोरेज जो आप SD कार्ड लगा के एक्सपेंड नहीं कर सकते, ये भी एक बुरी बात है मुझे लगता है। आपको एटलीस्ट एक हाइब्रिड सिम स्लॉट दे देना चाहिए था, ताकि कस्टमर की मर्जी, अगर वो दो सिम लगाना चाहे तो दो सिम लगाए, वरना SD कार्ड लगाना चाहे तो SD कार्ड लगा सके। लेकिन इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है, इसमें सिर्फ आप दो नैनो सिम लगा सकते हो, SD कार्ड आप नहीं लगा सकते हो। जो बेस वेरिएंट है Xiaomi Mi 6 का उसमें आपको 64GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है और जो हायर वेरिएंट है उसमें जो आपको जो है तकरीबन 128GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है। और एक इसकी जो कॉन है वो ये है कि इसमें जो आपको वाटरप्रूफ नहीं है, ये फ़ोन में आपको वाटरप्रूफिंग नहीं मिलती है। तो दोस्तों अगर ये फ़ोन आपका पानी में गिर जाता है या फिर इसमें पानी चला जाता है तो ये फ़ोन जो आपका ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों ये भी एक बुरी बात है, हालांकि इसके रीज़न भी है उनके पास में, क्योंकि ये फ़ोन काफ़ी सस्ता है तो अगर वो वाटरप्रूफ बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा उसमें खर्चा भी हो जाता है, फिर शायद से आप लोग इस फ़ोन को नहीं लेते। और डिस्प्ले प्रोटेक्शन इसके बारे में Xiaomi ने कुछ बताया ही नहीं है पूरे लॉन्च इवेंट में कि डिस्प्ले में जो है कौन सी तरीके की प्रोटेक्शन यूज़ करी है या फिर नहीं करी है, जैसे कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है या फिर ड्रैगन टेल ग्लास है, बताया ही नहीं है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता इसका डिस्प्ले प्रोटेक्शन के बारे में। आप लोग जानते हैं रेडमी नोट 3 लॉन्च हुआ था तो उसका जो डिस्प्ले ग्लास था वो काफ़ी गंदी क्वालिटी का था, अगर गिर जाएगा तो टूट ही जाता था। तो यहाँ पे भी कुछ उसी टाइप का है। और ये जो था प्रोज एंड कॉन्स की, मेरे को उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और जो इसका एक और एक प्रोज है वो ये है कि इसमें 6GB की भी रैम देखने को मिलती है Xiaomi Mi 6 में। तो ये सब ओवरऑल कहूँ तो फ़ोन जो है बहुत ही अच्छा है अपनी प्राइस के हिसाब से, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को एक वीडियो बना के देना चाहिए जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूं इसकी प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है। और दोस्तों अगर आप इस फ़ोन को खरीदना चाहते हो तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, खरीदने लायक डिवाइस है और ये बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। अब तक ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, ये सिर्फ चाइना के मार्केट में अवेलेबल है। तो दोस्तों इसकी जो बेस वेरियंट का प्राइस है 25,000 रुपये और क्वालकॉम
कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर दिया गया, तो सुपर पावरफुल प्रोसेसर दिया गया जो कि इस साल का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है अब तक। और दोस्तों ये जो फ़ोन है मेरे को लगता है बहुत ही अच्छा है, बस कुछ छोटी मोटी मिस्टेक इसमें जो फीचर्स है वो नहीं दिए गए तो उसे आप नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, और अगर आपको इसी तरीके की और वीडियोज़ देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए दोस्तों, जो कि आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन दिखेगा उसे दबा के आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है और हम आपके लिए रोजाना कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।